इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए कि आखिर हमें मेगा जीएल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है या फिर मेगा कॉन्टेस्ट हम लोग खेल रहे हैं तो हमें किस टाइप का टीम बनाना पड़ता है और कितने खिलाड़ी को कितने सिलेक्शन परसेंटेज वाला लेना होता है, कितना कम सिलेक्शन परसेंटेज वाला लेना होता है और किसे ड्रॉप करना होता है, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि 2024 में अगर आपको मेगा जीएल विन करना है तो आपको इस ट्रिक्स को आप फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप जीतने का आशा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सीधा सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मोबाइल स्क्रीन आप साइड में देख पा रहे होंगे, हमने ड्रीम इलेवन को ओपन किया हुआ है क्योंकि ड्रीम इलेवन के यूजर सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा खेलना ड्रीम इलेवन को ही पसंद करते हैं, इसीलिए हमने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। आज आपको मतलब कोई भी इधर उधर का बात नहीं होगा, आपको सीधा सीधी हम टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि आखिर हमें टीम किस तरीका से बनाना होता है, वो चीज हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएल का मैच था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसका हम आपको ओपन करके दिखाते हैं स्टेट्स की आखिर क्या डेटा रहा है इस मैच में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, स्कोर कार्ड नहीं स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स पर आ जाते हैं। स्टेट्स पे आ जाने के बाद आपको यहां से सारा कुछ पता चलने वाला है कि आपको कितना प्लेयर को लेना होता है हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाला, कितना कम को लेना होता है, आप यहां से समझ लीजिए। उसके बाद मैं टीम आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आखिर आपको टीम किस तरीके से बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, 2024 का नंबर वन वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम टीम कौन कौन है ड्रीम टीम में, वो चीज देख लीजिए, यहां से देख लेते हैं। तो वाइस कैप्टन ड्रीम टीम का कप्तान है, वो वाइस कैप्टन है बाबर आजम, और कप्तान का बात करें तो डी हेमलता, ठीक है, डी हेमंता सॉरी। तो ये आपका आपका ड्रीम टीम है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कितना सिलेक्शन परसेंटेज वाला प्लेयर कितना है इस टीम में, ठीक है। सबसे पहला बात कर ले कम सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है, तो कम वाला कितना है वो चीज हम समझेंगे। यहाँ देखिए 18% सिलेक्शन एक हो गया, उसके बाद इधर देखिए 14% का दो हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 36% का एक हो गया, 22% का एक हो गया, इस जगह पे देखिए, है ना। तो कितना हो गया आपका, एक दो तीन और ऊपर में एक है, एक चार, ठीक है। चार प्लेयर वो है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से कम है, ठीक है, कम है, ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चार प्लेयर वो हो गया जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, कितना से, 40% से, ठीक है। आप देख लेते हैं कि ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाला कितना प्लेयर है। तो जैसे कि यहां देख सकते हुए एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर, और आपको नीचे लेके चलते हैं चार प्लेयर, पांच प्लेयर, छह प्लेयर और एक सात प्लेयर, ठीक है। देखिए 40 से प्लस है सभी, यहाँ चार हो गया और आपको दिखा देते हैं ऊपर तीन हो गया, ठीक है, ये तीन, तो चार तीन सात, और चार उधर था जो कि 40% से कम था। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ड्रीम इलेवन टीम बना रहे हैं तो उसमें आपको छह या सात प्लेयर आपको ऐसा लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से ऊपर हो, ठीक है, और तीन से चार प्लेयर ऐसा लेना जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से नीचे है, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ड्रीम टीम में देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन आपका यहाँ पे कैप्टन जो है
उनका सिलेक्शन परसेंटेज ये होगा 18%, क्योंकि सबसे टॉप में ही है। और आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, टीम समझ में आ जाएगा, है ना। डी हेमंता जो है 224 पॉइंट के साथ कैप्टन हैं, और वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं बाबर आजम है 129 पॉइंट के साथ में, ठीक है। और आप एक मैच का हम आपको दिखा देते हैं एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमें टीम बनाना होता है तो कैसा बनाना होता है, ये चीज समझेंगे। फिर से हम स्टेट्स पे आ गए हैं, ठीक है। इसके बारे में तो सभी को पता होगा, जनरली बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि स्टेट्स आखिर ड्रीम टीम में कहां से देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, कम सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है। तो कम सिलेक्शन परसेंटेज यहां देख लीजिए, 2-3, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं, मतलब इसमें देख लीजिए आपका 40% से कम वाला मात्र 3 ही है, ठीक है, 1-2 और 1-3। इसका डीटी देख लीजिए, देख लीजिए। तो वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों बॉलर में है, ठीक है। यहां देखिए कितना का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, मतलब 8-3 का कॉम्बिनेशन था। यहाँ देख लीजिए 1-2 और 1-3, बाकी टोटल प्लेयर एक टीम से था, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देख लीजिए हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाला, तो हाई में देख लीजिए यहाँ कितना है, 1-2-3-4-5-6, है ना। और ऊपर देख लेते हैं 7-1-8, ठीक है। हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाला मैक्सिमम आपको 6-7 देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी 8 होगा, ठीक है। और लो सिलेक्शन परसेंटेज वाला मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे, ठीक है, यहाँ तक 5 भी हो सकते हैं कभी कभी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपको 3-4 प्लेयर होगा जो कि आपको 40% से कम वाला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको टीम बना के दिखाते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से चूज करना होता है प्लेयर्स को। तो हम रेंडमली किसी भी एक मैच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बढ़िया मैच हो, देख लेते हैं। तो ऐसा तो कोई मैच दिख नहीं रहा है, टेस्ट दिख रहा है, तो चलिए इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट है, उसको आपको टीम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं सभी लोग इस कॉन्टेस्ट को विन करने के लिए खेलेंगे, ठीक है। तो हमें टीम बनाना होगा उसी के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहला बात ऐसी समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं 100 क्रेडिट दिया हुआ है, इसको पूरा खत्म नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि अगर 100 क्रेडिट है वहां पे 10 क्रेडिट और हमें प्लस हो जाता तो अच्छा रहता है, 110 क्रेडिट में हम सारे बड़े प्लेयर को अपनी टीम में ले पाते हैं। लेकिन यही चीज गलत होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं प्लेयर्स का, ठीक है। तो प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें लेना होगा कितना, ठीक, ये चीज समझ लीजिए, 40 प्लस जो भी है उनको पहले लेंगे, ठीक है। तो 40 पहले अगर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो उससे पहले हम लोग लेंगे कितना, 70 से लेके मतलब 99 तक का, ठीक है। इवन 100 भी कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 91, उसके बाद आ जाइए 78, 81, और आपको दिखा देते हैं और कोई हो सा 89, 86, उसके बाद 86, उसके बाद और कोई, अब यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। अब हमें ले लेना है कितना हो गया, 6 प्लेयर आपका हो गया जो कि मतलब 70% से ऊपर है, ठीक है। अब इसमें से हमें कुछ लेना होगा प्लेयर, पहले तो ले लेते हैं 3-4 प्लेयर जिसका 40% से कम है, तो वो देख लेते हैं कौन है, 40% से कम कोई नजर आ जाए। एक यहाँ है जे करोरी, उसके बाद है श्रेयस अय्यर 40% से कम है, बेन शुभमन गिल है, 3 हो गया। यहाँ पर डी लॉरेंस है और आपका अक्षर पटेल भी है। बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं,
बॉलिंग सेक्शन से आपका कुलदीप यादव है और मारकूट है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस मैच में, खास करके टेस्ट है इसीलिए, ठीक है। ओडीआई T20 रहेगा तो थोड़ा सा कम रहेगा, हालांकि ये देख लीजिए हमने 4 प्लेयर का सिलेक्शन ऐसा किया है जो कि 40% से कम है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको चूज करने का तरीका यही है कि अगर आप मेगा जीएल में रिस्क लेना चाहते हैं तो जो आपको ट्रम्प प्लेयर होता है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से कम होता है उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, 40% से कम वाला जो आपको बेहतर लगे। वाइस कैप्टन का बात कर ले तो वाइस कैप्टन आप चाहें तो 40% से ऊपर वाला को बना सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा प्लेयर जो कि ड्रीम 11 टीम में खेलने के लिए नया आया है, या फिर कोई ऐसा प्लेयर जिसको मतलब खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया है लेकिन रिसेंट का फॉर्म खराब की वजह से टीम मैनेजमेंट ने उसे बाहर बैठा दिया, उसके बाद 2-4 मैच के बाद फिर से उसे टीम में एंट्री दे रहा है, तो उसको आप आग बंद करके वाइस कैप्टन या कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जीएल में अच्छा खासा रैंक आने वाला है, ठीक है। आप कंटिन्यू इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टीम बनाइए और आप ड्रीम 11 में अच्छा खासा रैंक लाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।